press again start with the next problem. Here again I am taking the problem of directrix. As you can see here, you can see three materials are there of dielectric constants K1, K2 and K3. They are over here. And let me read the problem. The expression for the capacity of the capacitor formed by the compound dielectric placed between the plates of parallel capacitor as shown in the figure will be. This plate में जो दिया है parallel capacitor का उसका equivalent capacity आपको find करना है. आज आपको मैं अलग method दिखाने जा रहा हूँ. Before that we have used the method for general K effective. तो आज आपको दिखाना जा रहा हूँ मैं directly कैसे करने का. मतलब वही method भी है, directly कैसे करने का उसको वो दिखाऊंगा आपको. देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपका ये तीन है. वन इज C1, अनदर इज C2 एंड अनदर इज C3. ओके, C1 के लिए कितना है? D1 है. ओके, C2 के लिए D2 है और C3 के लिए D3. प्लेट सेपरेशन. अब क्या करने का, जब ये ऐसे आता है मतलब K1, K2, K3 such that area is constant. Area constant there और D1, D2, D3 ये अलग अलग है. तो इस केस में you have to consider C1, C2 and C3 series. बस हो गया. अगर वो series में है तो C equivalent कितना है बड़ा? C1, C2, C3 upon C1, C2 plus C2, C3 प्लस C1. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो C1 के लिए कितना आएगा? A तो कॉमन चलेगा इसके ऊपर सब में. A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 इनटू A एप्सिलॉन नॉट ए सॉरी सीरीज. वन मिनट हाँ, इट विल बी करेक्ट, नो प्रॉब्लम स्टिल. ओके, सो विल गो ऑन डी दैट अपॉन D2 इनटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D3 अपॉन दिस. लेकिन ये करने से बेहतर है इसकी जगह वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला. कैसे कर सकते हैं देखो. 1/C² इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 दैट्स ऑल. बस ये कितना हुआ 1/C², ये कितना हो जाएगा 1/C1. तो 1/A₀₀ अपॉन D1 इनटू सॉरी K1 मतलब इसका K1 ना प्लस 1/A₀₀ K2 अपॉन D2 प्लस 1/A₀₀ K3 अपॉन D3 हो गया. तो ये कितना हो गया 1/C². तो इसको उल्टा करते D1 अपॉन A₀₀ K1 प्लस D2 अपॉन A₀₀ K2 प्लस D3 अपॉन A₀₀ K3 हो गया. तो इसमें कितना कॉमन निकाल सकते हैं 1/A₀₀ दिख रहा है आपको. 1/A₀₀ को मैंने कॉमन लिया. इधर कितना हुआ D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2 प्लस D3 अपॉन K3. ओके, सो इसको उल्टा कर देते हैं. अभी उल्टा किया तो क्या होगा C² विल बी इक्वल टू A₀₀ और इसका उल्टा मतलब 1/D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2 प्लस D3 अपॉन K3 तो हो गया. ये ऑप्शन अपना
यहाँ पे आप अपना ऑप्शन मिल रहा है आपको एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी वन अपॉन के वन प्लस डी टू अपॉन के टू डी थ्री अपॉन के थ्री, यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। तो इस तरीके से हम कर सकते, मतलब इंस्टॉल यूजिंग के इफेक्टिव डायरेक्टली ऑल्सो यू कैन डू। फॉर दैट से आई टोल्ड यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ प्रॉब्लम नंबर एट, इट्स वेरी सिंपल ओके, बट लेट मी शो यू। ओके ओके, क्या दिया है प्रॉब्लम में? फोर कैपेसिटर्स ऑफ 25 माइक्रोफेरेड ईच आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। इफ द डीसी वोल्ट मीटर रीड्स 200 वोल्ट चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ईच। तो कैपेसिटर निकाल के लेता हूँ फटाफट। ये चार कैपेसिटर एक्चुअली। ओके, और यहाँ पे वोल्ट मीटर दिया है, कितना दिया है वोल्ट मीटर का रीडिंग? 200। तो यहाँ पे लिखता हूँ 200 वोल्ट। तो बेटा अगेन आपको समझने के लिए ये जो है यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ ये दो और ये दो ये पैरेलल में है, देखो ना इसका, ठीक, इसका ये दोनों का एक टर्मिनल जोड़ा है और इसका डायरेक्टली इसको जोड़ा, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा। ऐसे लिख सकता हूँ, इसको पहले नंबर देता हूँ, सब 25 के ना, 1 2 3 4, उसका सब सी 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 हो जाएगा। तो ये दोनों ऐसे रहेंगे, इनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल दिया है 200 वोल्ट का, और इनको पैरेलल में और दो। कितना सिंपल है, लेकिन दिखाने के लिए थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी किया उस प्रॉब्लम को, बाकी कुछ नहीं उसमें। तो अभी क्या है, हर एक है ये सी 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 है, वोल्टेज दिया है और आपको चार्ज पूछा है, तो सी 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 इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? फोर्स से आएगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू सी वी। सो आप बना सकते हो चार्ज क्यू इज इक्वल टू सी वी। सो क्यू विल बी सी कितना? फोर सी, मतलब अपना फोर्स सी 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 मल्टीप्लाइड बाय 200। तो ये कैलकुलेशन किया तो आपको मिल जाएगा 4C, मतलब 4 इनटू ये कितना है 20, 25 माइक्रोफेरेड, 25 टू द रेस्ट माइनस 6 इनटू 200, 25 फोर 100, 100 इनटू 200, सो 1 2 3 4, 2 इनटू द रेस्ट टू 4 इनटू द रेस्ट टू माइनस 6, सो Q कितना मिल जाएगा? 2 इनटू ये 4 माइनस 6, मतलब द रेस्ट टू माइनस 2, सो Q को हम 2 इनटू द रेस्ट टू माइनस 2, सो ऑप्शन इज सी। ओ सॉरी, 5 × 10⁻²। ओके लेट मी चेक इट, यू चेक दैट एंड टेल मी। हां माय आंसर इज कमिंग 2 × 10⁻². हां ये हुआ अपना टोटल चार्ज, हां हो गया हो गया हो गया, बराबर बराबर। ये कितना हो गया टोटल चार्ज? अभी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पूछा है ना, बराबर। ये टोटल चार्ज है, मतलब इधर Q1 इधर Q2 Q3 Q4, लेकिन ये सेम है इसलिए इधर कितना हो जाएगा Q/4 हो जाएगा, है ना? Q/4 यहाँ पे, Q/4 यहाँ पे, Q/4 और यहाँ पे Q/4, तो Q/4 Q कितना है अपना 2 × 10⁻²⁴ डिवाइडेड 4, वो 5 20, 0.5 × 10⁻², 5 × 10⁻³-3 कूलम, बराबर है। ऑप्शन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 9। ये भी सिंपल है, ये बताने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये होमवर्क करना है आपको। तो मैं इधर डायरेक्टली बता देता हूँ, स्क्रीन का जरूरत नहीं है, खाली आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम नंबर 9 के लिए। क्या करना है हमें, 5 कैपेसिटर्स दिया है ईच 10 माइक्रोफेरेड का। इस केस में आपको ऑलवेज यू कीप इन माइंड के आपको जो देते हैं बैलेंस्ड रेजिस्टेंस नेटवर्क, अगर ये सेम का है तो उसका सी 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 है, और इधर कौन सा भी है, कौन सा भी है, इसको हटा दिया तो ये कितना बन जाता है, ये दो सीरीज में, मतलब C/2, और ये दो सीरीज में, ये C/2 और C/2 पैरेलल C/2, इसलिए हर टाइम बोलने का जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आंसर सी आते हैं, मतलब जितना उसका कैपेसिटी उतना आंसर है, तो आंसर आएगा
ऑप्शन नंबर डी दैट इज 10 माइक्रो फैराड, कितना भी वोल्टेज दे दिए कुछ भी करें आप, अपने को देना लेना नहीं है कुछ नहीं है, इधर 10 10 10 10 दिया है मतलब बीच पर निकल जाएगा ओके, और आपका कैपेसिटेंस आएगा 10 माइक्रो फैराड, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन प्रॉब्लम नंबर 10, ओके एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं और आगे वाले प्रॉब्लम आगे के सेशन में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके लिए। हाँ ठीक है ओके। प्रॉब्लम क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड इन द फिगर अलोंग विद ओके, ठीक है तो फिगर दिया है एकदम सिंपल है, तीन कैपेसिटर है पैरेलल में, ये मैं क्यों दे रहा हूँ आपको, ये प्रैक्टिस के लिए है, फटाफट आपको निकालना आना चाहिए इसलिए मैं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या सर एकदम सिंपल सिंपल है, इट इज नॉट लाइक दैट, फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट यू मस्ट बी एबल टू कैलकुलेट दैट, दैट इज वाई आई एम गिविंग यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड वी आर हैविंग टाइम इन अवर हैंड, दैट्स वाई आई एम गिविंग यू द दो पावर बनाते हैं, ये कितना है 70 है 70 70 है ओके, अभी आपको मालूम है ये पूरा कॉम्बिनेशन और ये दोनों केस हैं सीरीज में, मतलब ये इस और ये दो वोल्टेज मिलेगी, इसका अगर V1 लिया ये V2 बन जाएगा, ये V2 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 सब सेम ओके, टोटल वोल्टेज कितना है 70, तो आपके लिए एकदम सिंपल सा आइडिया है, इसका पहले करके लो 3 3 6 प्लस 6 12 हो गया ओके, 12 पैरेलल 2 तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 अपॉन 12 प्लस 2 तो कितना हो गया 24 अपॉन 14 मीन्स 12 बाय 7 ओके, ये 12 बाय 7 है तो Q निकाल के लेंगे, Q इज इक्वल टू CV, C इक्वल कितनी 12 बाय 7 इनटू 17 ये 10, सो Q 120 आ गया बराबर, अभी Q Q 120 है तो सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है, इधर Q इज इक्वल टू 120 डाल के डायरेक्टली 120 को तो इधर भी अल्टीमेटली Q इज इक्वल टू 120 आएगा, इधर देखने का जरूरत नहीं है, ये देखना है Q 120 डाला तो Q इज इक्वल टू सी वी, सो V इज इक्वल टू Q अपॉन सी वी, कितना है अपना V 1 है, Q कितना है 120 अपॉन 2 माइक्रोफेरेड, सो 60 माइक्रो ओ सॉरी 60 वोल्ट ओके, या आ गया, इधर वो माइक्रो का कन्वर्जन करने का जरूरत नहीं है, आपको आंसर आपका डायरेक्ट आ गया है, कभी कभी जरूरत पड़ता है तो हम चार्ज लेते हैं ना, वो चार्ज उसमें लेते हैं, हाँ बराबर है चार्ज माइक्रो कूलम में बराबर, हमने इधर लिया ना बराबर 60 बराबर, यू डू दैट ओके, नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो विद प्रॉब्लम नंबर 11 12 एंड 13 ओके, थैंक यू।